नमस्कार स्टूडेंट्स, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। मेरा एक बहुत बड़ा फैन है, मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है अर्पित, उड़ीसा से। उनका कुछ क्वेश्चंस है जो कि उन्होंने व्हाट्सएप किया था और समय के व्यस्तता की वजह से मैं उनके सवाल का जवाब दे नहीं पा रहा, लेकिन थोड़ा सा टाइम अभी मैंने निकाला है आपके एक क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अर्पित जी, आपसे मैंने वादा किया था कि वेडनेसडे को आपका ये क्वेश्चन आएगा। आज ट्यूसडे है, समय के पहले ये क्वेश्चन आप तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आज एक ही क्वेश्चन, फिर कभी समय निकाल के आपके लिए जरूर हम सॉल्व करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन इक्वेशन का है। इक्वेशन है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ऐसे क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस, लीनियर इक्वेशन इन 2 variable में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, आप सभी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक बात मेरी याद रखो, जब भी एज प्रॉब्लम हो तो प्रेजेंट एज ही मानना, कभी भी पास्ट एज और फ्यूचर एज नहीं माना जाता है। हम लोग मान लेते हैं जैकब और उसके सन का प्रेजेंट एज, एज ऑफ जैकब नाम अच्छा है, जैकब सन इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स ईयर्स, सन का एज को हम लोग एक्स ईयर्स मान लेते हैं, एंड एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू वाई ईयर्स मान लेते हैं। ये प्रेजेंट एज है, हमेशा ध्यान में रखिए, एज जब भी मानेंगे तो प्रेजेंट एज ही होगा, ये ध्यान में रखो। अब क्वेश्चन ये कहता है कि 5 years hence, मतलब 5 साल बाद इसका एज हो जाएगा x प्लस 5 years। जब जैकब के सन का एज 5 years इंक्रीज करेगा तो जैकब भी तो बढ़ेंगे ना, उनका भी एज तो 5 साल ज्यादा होगा, तो ये भी y प्लस 5 हो जाएगा। यह हुआ 5 years हेंस की बात। क्वेश्चन कहता है द एज ऑफ जैकब, दिस इज द एज ऑफ जैकब अकॉर्डिंग टू केस वन। यहां पर 2 cases है, केस वन के मुताबिक एज ऑफ जैकब दैट इज y प्लस 5 इज इक्वल टू 3 times दैट ऑफ हिज सन। सन का एज ये है तो 3 into x plus 5, इसको सॉल्व कर लेंगे, y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x plus 15, दैट इंप्लाइज y, और ये x इधर आके -3x, और ये 5 उस तरफ जाके 10 हो जाएगा। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1, यहां पर एक इक्वेशन बनता है। फिर कहता है 5 years ago, 5 साल पहले, अब देखो अभी जैकब का सन का एज एक्स है, तो जैसे मान लो कि अभी तुम्हारा एज 14 years है, तो 5 years एगो 5 साल पहले तुम्हारी एज क्या थी, तो 9 साल के थे, तो 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स माइनस 5, ये केस होगा 5 साल पहले का। जैकब का एज अगर वाई है, अगर जैकब का एज आज वाई है, तो 5 years पहले, 5 years ago, उनका एज में भी 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यस हो जाएगा। तो केस टू हमारा बन जाता है, केस टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार 5 years ago जैकब्स एज, दिस इज द एज ऑफ जैकब दैट इज y माइनस 5 इज इक्वल टू was 7 times that of his son, 7 times that of his son,
and 5 years ago the son's age is x minus 5, that is x 7 into x minus 5. This will be equation number 2. Solve karte hai. Y minus 5 is equal to 7x minus 35. ये 7x इधर आ जाएगा, y minus 7x, और ये minus 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो minus 30 बच जाएगा, is equal to minus 30. ये हमारा आया equation number 2. अब linear equations in two variables की बात करते हैं, तो ये equation 1 है और ये equation 2 है, दोनों equation को एक साथ लिखो. y minus 3x, y minus 3x is equal to 10. And second equation is y minus 7x. Y minus 7x is equal to minus 30. Subtract. Change sign. Minus, plus, and plus. Cancel y. Plus 7x minus 3x, 4x is equal to 30 plus 10, 40. Therefore, x is equal to 10 years. X किसका एज था? X माने थे हम लोग जैकब के सन का प्रेजेंट एज. तो X तो निकल गया, अब Y निकलना है. किसी भी इक्वेशन में X का वैल्यू बैठाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में ही सब्स्टिट्यूट करते हैं. Y minus 3X is equal to 10. Y minus 3 into X is equal to 10 is equal to 10. Y minus 30 is equal to 10. Therefore, y is equal to 40. तो जैकब साहब का एज 40 years है प्रेजेंट में और सन का एज 10 years है. विद्यार्थी जी, ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा और बड़ी खुशी होती है आप लोग जब उससे क्वेश्चन करते हैं. मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा. आज ट्यूसडे है, मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ और तुरंत इसको अपलोड करूँगा आपके लिए. और कल वेडनेसडे है, कल आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दूंगा. अगर नहीं दे पाया तो थर्सडे को सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा. आज इतना सा ही, और मन लगा के पढ़ो बेटा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो. मेरा भी एक बेटा है, मेरे भी अरमान उसी में सीमित है. आपके भी माँ बाप, उनका भी अरमान आप ही हो. इसलिए अपने माँ बाप को खुश रखो और उनके अरमान को पूरा करो. जय हिंद, जय भारत.